हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आरबीएल बैंक्स के बारे में। आरबीएल बैंक के स्टॉक में 7.31% का गिरावट हमने देखा ऑन फ्राइडे। सारे बैंकिंग फाइनेंशियल्स हो या फिर मेटल स्टॉक हो, बहुत ज्यादा करेक्शन हमने देखा ड्यू टू द फियर ऑफ न्यू वेरियंट ऑफ कोविड-19। यूरोप में ऑलरेडी लॉकडाउन होना शुरू हो गया है, बट जितने भी फाइनेंशियल्स है उसमें से जो आरबीएल बैंक्स हो या फिर बंधन बैंक, जिनके रिजल्ट बहुत ही खराब थे, उनमें ज्यादा करेक्शन हमने देखा कंपेयरिंग टू लार्ज कैप बैंक्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब तक ये स्टॉक 200 के ऊपर का क्लोजिंग देकर सस्टेन नहीं करता, इस स्टॉक में बाइंग नहीं करना है। एंड आरबीएल बैंक्स ने 200 के लेवल को क्रॉस करने से पहले ही करेक्शन आ गया। 198 का हाई हुआ था, वहां से स्टॉक सीधा 185 तक गिरा। नाउ जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब है, एसेट क्वालिटी खराब है, उसमें ऑब्वियसली ज्यादा गिरावट आएंगे, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर चीज और ज्यादा एक्सटेंड होता है, इन दैट केस इंडिया में भी अगर लॉकडाउन लगता है, कुछ नेगेटिव होता है, सो डेफिनेटली इनके एनपीए और बढ़ेंगे, एसेट क्वालिटी खराब होंगे, जो कि बैंक के लिए अच्छा नहीं है। एंड इस पर्टिकुलर बैंक का रिजल्ट भी खराब था। सो जो बैंक का रिजल्ट खराब है, जो बैंक कमजोर है वो ज्यादा गिरेंगे, जो बैंक अच्छे है एनपीए जिनके कम है वो बैंक कम गिरेंगे। यही है नॉर्मल थियोरी। सो मैंने आपसे में से बहुत सारे लोगों को यह पहले ही बोला था कि 200 से पहले स्टॉक को बाई मत कीजिए, स्टॉक को बाई मत कीजिए एट दैट मोमेंट, क्योंकि ऑपरेटर्स आर प्लेइंग अ बिग गेम इन बंधन बैंक एंड आरबीएल बैंक। सो आपको इन सारे बैंक से दूर रहना, जिस बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी है, जैसे फेडरल बैंक, उसका रिजल्ट अच्छा है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, सो इन सारे छोटे बैंक में आपको निवेश करना चाहिए अगर आपका इंटेंशन स्मॉल कैप मिड कैप बैंक के ऊपर है। तो अगर इसका मार्केट कैप देखिए 11,139 है, there is no P because it's a loss making company, and अगर हम इस particular stock के 52 high लोगों देखें, 274 का high है, 155 का low है। अगर हम इस particular stock के कुछ important technicals चीजों को analyze करें, so technicals में सबसे important होता है RSI MFI index। stock नीचे से ऊपर की तरफ भी गया, but वहाँ पे sustain नहीं कर पाया, and yesterday हमने उसमें 7% का गिरावट भी देखा। RSI में इसका score है 39.7, MFI में 44.5। relative strength index और Manipur index जो के technical एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट टूल है, जो शॉर्ट टर्म में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट को बताते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड, सो आरएसआई एमएफआई में स्टॉक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में, यानी किसी भी तरफ का मूवमेंट ये स्टॉक दे सकता है। अगर मार्केट रिकवर करता है, सो डेफिनेटली जस्ट लाइक ऑल अदर बैंक, इस बैंक में भी हम थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, 5-6% ये ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे कितना जाएगा इसको भी हम देखेंगे। अगर हम इसका रिटर्न देखें, 1 week का रिटर्न -8.61% है, 1 month का रिटर्न -11.86%, 3 month का रिटर्न +14% है। 3 month में इसने जो रेंज है वो 161 से 221 है। ये स्टॉक में 220 के ऊपर का भी ब्रेकआउट नहीं दिया, 161 के नीचे भी नहीं गया। सो एट दैट मोमेंट 160 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर यू। हालांकि स्टॉक 160 से ऑलरेडी 25 रुपीज ऊपर है, बट सबसे नीचे का अगर हम सपोर्ट देखें, सो 155-160 का ही है। 6 month का भी रिटर्न जो है वो स्टॉक का -10% है, एंड यहाँ पे भी रेंज 155 टू 126 है। सो 120 इज अ बिग बिग रेजिस्टेंस एट दैट मोमेंट, एंड सपोर्ट कहाँ पे 155 टू 160। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो अगर 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सपोजर मूविंग एवरेज देखें, सो स्टॉक का जो 30 डे एंड 50 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 195 से 200 के बीच में, 100 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज भी 196 है। इसलिए इन दिस पर्टिकुलर रेंज स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 200 है, उसके ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए था, बट स्टॉक उसके ऊपर का ब्रेकआउट देने में फेल हुआ, एंड मार्केट नेगेटिव था, सेंटिमेंट नेगेटिव था, इसलिए स्टॉक करेक्ट भी हुआ। मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए ये स्टॉक परफेक्ट है, बट जो स्किल ट्रेडर है उनके लिए, क्योंकि बॉटम तक कितना गिरेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। शायद जिस तरह का मार्केट है, स्टॉक 180, 170, 160 कितना भी गिर सकता है, ये 180 से बाउंस बैक करके फिर से 190, 196 तक जा सकता है, बट 200 के ऊपर का ब्रेकआउट इतनी जल्दी ये स्टॉक नहीं देगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बढ़िया मेरे लिए अभी पीक है एक्सिस बैंक, देन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो ऑब्वियसली सबसे बेहतर ही है ही। सो इन सारे बैंक के ऊपर आपको फोकस रखना है। शॉर्ट टर्म सॉरी स्मॉल कैप मिड कैप में फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जिनका रिजल्ट अच्छा है, एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा सुधार है। सो एट दैट मोमेंट बिग बिग रेजिस्टेंस इज 200, एंड जो सपोर्ट है एट दैट मोमेंट वो सीधा 161 के करीब है। उससे पहले अगर आपने स्टॉक को बाय किया, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, डेफिनेटली 180 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे स्टॉक जाए फिर से 170, 175
किसी भी रेंज पे जा सकता है, कहां से बाउंस बैक करेगा कह पाना मुश्किल है, बट अगर 160 तक ये जाता है तो वहां से स्टॉक में थोड़ा बाइंग आएगा, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मार्केट कंसिस्टेंटली गिरता ही रहेगा। हाँ, अगर ये पर्टिकुलर थ्रेड एक्सपेंड हुआ एंड सारा ग्लोबल मार्केट निफ्टी और ज्यादा क्रैश हुआ, सो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, कह पाना बहुत मुश्किल है। सो जितना नीचे मिले अगर आपको फ्रेश बाई करना है, इसी बैंक में आपको बाई करना है तो 160 के करीब आप बाई कीजिए एट दैट मोमेंट, ओनली टू डू एनीथिंग। जो स्किल ट्रेडर है वो 180 के करीब भी बाई कर सकते हैं विद अ स्टिक स्टॉप लॉस, फिर से 190, 192, 196 आए तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर 200 के करीब ये स्टॉक आए फिर वहां से थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। सो जितने भी बैंक है उसमें आरबीएल बैंक जो है उसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप वाइज ये बहुत पीछे है, क्योंकि जो मार्केट कैप है वो 11,000 करोड़ के आसपास का है। एंड अगर हम इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो एज आई सेड बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है, बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स है जिनका मार्केट कैप भी अच्छा है, जस्ट लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अ वेरी गुड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक इसका रिजल्ट अच्छा है, फेडरल बैंक ये भी अच्छा है। सो स्मॉल कैप मिड कैप बैंक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फेडरल बैंक के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम बंधन बैंक एंड आरबीएल बैंक अंटिल एंड अनलेस नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हो एंड एसेट क्वालिटी में सुधार हो। लार्ज कैप में आपके पास एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव लग रहा है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है। अगर आप इस पर्टिकुलर बैंक के रिजल्ट को देखेंगे सो रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं है, हालांकि जो लास्ट क्वार्टर का 459 करोड़ का लॉस था उसके कंपेरिजन 31 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, बट NPA में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 4.99 से 5.40 ग्रॉस NPA बढ़ा है, नेट NPA 2.01 से 2.14। सो एसेट क्वालिटी जो है वो खराब हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। जब तक एसेट क्वालिटी नहीं सुधरता बैंक में उतना बाइंग नहीं हम देखेंगे, शायद ऑपरेटर्स कैन प्ले अ गेम, वो शॉर्ट कर सकते हैं देन शॉर्ट कवरिंग करके स्टॉक ऊपर ले सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि स्टॉक इज लुकिंग अट्रैक्टिव, देन रिटेल इन्वेस्टर जब बाइंग करेंगे वो फिर से सेल करेंगे एंड लोग इसमें ट्रैप हो जाएंगे। सो आपको इस स्टॉक से दूर रहना है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर इस स्टॉक का देखें तो FII के पास 31% है, DII के पास 22% है एंड पब्लिक होल्डिंग 45.70, यानी पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, रिटेल इन्वेस्टर का बहुत इन्वेस्टमेंट है, बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर, इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत लोग ट्रैप हुए एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक का डिमांड एट दैट मोमेंट बहुत ज्यादा है, यानी सभी इसके ऊपर रिव्यू चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोलने के बावजूद 190-200 के रेंज पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया एंड वो अभी लॉस में एंड वो अभी पैनिक में है। आई एम नॉट सेइंग दैट ये स्टॉक बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि जिस तरह का पब्लिक इंटरेस्ट है सो डेफिनेटली लोग नीचे भी स्टॉक को फिर से बाइंग करेंगे, एवरेजिंग करेंगे एंड एक टाइम के बाद शॉर्ट कवरिंग आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैंक निफ्टी में सुधार हो, निफ्टी में सुधार हो सो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से 200 की तरफ जाएगा एंड जो लोग प्रॉफिट में वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जो लोग लॉस में अगर वो लॉस से प्रॉफिट की तरफ जाए तो स्टॉक से एग्जिट लेना ही बेहतर है। एट दैट मोमेंट नो नीड टू डू एनीथिंग, एवरेज आप मत कीजिए। अगर आपका बाइंग रेंज 200 है, अगर और नीचे गिरता है देन एवरेज आप कर सकते हो, देन आपका प्राइस अगर आपको मिले तो स्टॉक से क्लियरली एग्जिट हो जाइए। यह था आरबीएल बैंक को लेकर मेरा एक एनालिसिस। लास्ट वीक भी मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 200 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता, नो नीड टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, स्टे अवे। बट जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी 195-190 के, वो भी लॉस में, सो जस्ट होल्ड योर पोजीशन, नो नीड टू गेट पैनिक। अगर 180 के नीचे जाता है तो थोड़ा पैनिक होने का बात है, सो 180 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं चाहिए तो वेट कीजिए, अगर नीचे आता है तो थोड़ा एवरेजिंग कीजिए अगर आपके पास इस स्टॉक को एवरेजिंग करने का पावर है तो। ये था स्टॉक को लेकर मेरे का एनालिसिस, वीडियो इंफॉर्मेटिव अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।